दोस्तों आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की डेट बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है। वहीं दो जो नई टीमें रहने वाली और टीमों के भी नाम बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है। जहां आईपीएल 2021 का सीजन पोस्टपोन होने के बाद अब बीसीसीआई आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबले यूएई में करवाने वाली है। उसके बाद ही आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। वहीं कौन सी डेट को होने वाला है मेगा ऑक्शन और क्या क्या रूल्स हैं और दो नई टीमें कौन सी है, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप फैंटेसी लीग, ड्रीम इलेवन या फिर आईपीएल क्रिकेट के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं उस पर हर रोज नई नई अपडेट देते रहता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट कर। दोस्तों आईपीएल के मेगा ऑक्शन का रूल्स होता है कि मात्र तीन ही खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। कोई भी टीम तीन या तीन से कम रिटेन कर सकती है और तीन से ज्यादा कोई भी टीम रिटेन प्लेयर नहीं कर सकती है और मात्र दो प्लेयर आरटीएम कार्ड यानी कि राइट टू मैच कार्ड के जरिए अपने टीम में वापस ले सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि राशिद खान सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं, अभी उनको ऑक्शन के लिए भेजा गया और ऑक्शन में पंजाब किंग ने उस खिलाड़ी को खरीद लिया, लेकिन राइट टू मैच कार्ड के जरिए सनराइजर्स हैदराबाद अपनी टीम में उस खिलाड़ी को वापस ले सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की डेट की। तो दोस्तों आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन जैन 24 से लेकर 7 फेब के बीच में आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन होने वाला है। वैसे इनसाइड रिपोर्ट से खबर आ रही कि आईपीएल 2021 का जो मेगा ऑक्शन होने वाला है जैन एंडिंग या फिर फेब के फर्स्ट वीक में आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन होने वाला है। तो ही आपको बता दूं आईपीएल 2022 के जो मेगा ऑक्शन टोटल दो दिनों तक चलने वाला है। वैसे दोस्तों आप कितना एक्साइटेड आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं आईपीएल 2022 की दो नई टीमों के बारे में, वो दो नई टीमें कौन सी रहने वाली है। तो पहली जो टीम लगभग 90% कंफर्म हो चुका है कि जो पहली टीम रहने वाली है वो पुणे टीम रहने वाली है। इससे पहले दो फ्रेंचाइजी और पुणे से जुड़ चुकी हैं जिनमें पहला पुणे वॉरियर इंडिया था और दूसरी जो टीम थी पुणे सुपर जॉइंट थी। अब ये तीसरी बार पुणे की टीम में आईपीएल खेलेगी। वहीं और दूसरी जो टीम रहने वाली है गुजरात या फिर लखनऊ, ये दोनों टीमों में से कोई एक टीम आईपीएल 2022 में खेलते हुए दिखाई दे सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है दो नई टीमें कौन सी रहने वाली है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर